वेलकम मिसलेनियस एपिसोड, इसमें आप सबों का स्वागत है। 9 सितंबर 2017 को आरआरबी पीओ प्री का जो एग्जामिनेशन हुआ, मेमोरी बेस्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस जो उसमें आए थे उन्हीं पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं मिसलेनियस क्वेश्चंस ने क्रिएट किया था। आगे जो असिस्टेंट या आरआरबी पीओ के नेक्स्ट फेज का एग्जाम होना है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। यही नहीं आएंगे, लेकिन ये बताते हैं कि कैसे आएंगे। इन क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देखें, सारे ही क्वेश्चंस बहुत खूबसूरत हैं। जो मैं कहता हूं कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं और ये प्रैक्टिस पेपर वाहियात होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ होंगे लेकिन इन जनरल, पर एग्जाम का क्वेश्चन कभी बेकार नहीं होता। इसमें कोई डाटा दिया हुआ होता है, वो कुछ जांचने के लिए होता है। आप देखेंगे कि जो बातें मैं कहता चला आ रहा हूं कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर पूरा कमांड होना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस किसी भी तरह से दिए जाएं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, चाहे कितना भी घुमाया जाए। क्वेश्चन घुमाया नहीं जाता क्वेश्चन में, दरअसल टेस्ट होता है कि आप इन चीजों को कितना जानते हैं। बताइए, आप देखेंगे कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, यह कॉन्सेप्ट का डिमांड करता है। आइए, फर्स्ट है, देयर आर 3 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स एंड 3 कंजुगेटिव इवन नंबर्स। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर। इफ द स्क्वायर ऑफ The average of all the given odd numbers is 507, less than the square of the average of all 3 given even numbers. Then what is the smallest odd number? एक simple average के question को इस तरह से पूछने का प्रयास है कि average के concept का कोई भी part छूट न जाए। इवन आप अलर्ट हैं कि नहीं, कभी इवन कभी ऑड, कभी ऑड कभी इवन, कभी मोर कभी लेस, उल्टा पुल्टा अलर्ट रहिए। ऑड वाले की चर्चा कर रहे हैं, इवन की कर रहा है, कौन मोर है, कौन लेस है, कौन एवरेज है, कौन सम है, क्लियरिटी चाहिए। और क्लियरिटी अगर है तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है। लेकिन मुझे समझाना है, सोचिए, सबसे पहले चर्चा है कंजुगेटिव ऑड नंबर्स की, उसके बाद इवन नंबर्स की। लेकिन लिखने में सुविधा के आधार पर हम लोग बोले, या चलिए जो शुरू में कहा वही बोलते हैं, थ्री फर्स्ट जो है ना, 3 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, कुछ ऐसा समझिए 1, 2, 3 इंक्रीजिंग लिया, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, इनको बोले ऑड नंबर्स, ठीक है, और इनको बोले इवन नंबर। इवन नंबर को इस तरह से कर देते हैं कंजुगेटिव, 2-2 का डिफरेंस है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, चलिए इंक्रीजिंग मान लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट ये हुआ ना, लार्जेस्ट ये हुआ। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर, चलिए ऐसे करके है, इससे ये प्लस 9 है, ये कह रहा है ना इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, पर ये बड़ा है, हाँ बड़ा तो है, यहां से तो पता चल रहा है, ये इसका जो स्मॉलेस्ट है इसके ग्रेटेस्ट है बड़ा है, तो फिर ये इवन नंबर्स बड़े हैं तो तय हो। उसके बाद इफ द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द गिवन ऑड नंबर्स, रुकी, दे आर इन एपी, मिडिल वन इज सेट टू बी द एवरेज, याद आ रहा है, 3 नंबर्स हों, 4 नंबर्स हों, मिडिल वाले को एवरेज कहते हैं,
और 3 में, 5 में, 7 में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने पर उन टर्म्स में ही कोई एवरेज होता है, तो ये मिडिल वाला एवरेज है। तो आपको तो पता चल गया कि इन 3 ऑड नंबर्स का एवरेज कौन है और इन 3 इवन नंबर्स का एवरेज कौन है। पता चल गया जिनके बारे में बात हो रही है, द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द गिवन ऑड नंबर्स इज 507 लेस देन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन ऑड नंबर्स। तो दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस बता रहा है, दोनों टर्म में रिलेशन भी तो बता रहा है। निकालना क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ये निकालना है। लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट इट इज एक्स, ये एक्स है, तो इससे ये 2 मोर होगा, एवरेज एक्स है, 2 मोर होगा, यहां से 9 मोर होगा, फिर 2 मोर होगा, तो 13 मोर हुआ कि नहीं, इस नंबर को x प्लस 13 बोलेंगे कि नहीं। क्वेश्चन कहता है कि इसका जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 13 लेस है, इसका जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 507 लेस है। बस यही है, बोलिए समझ में आया कि नहीं। The square of average of all the given odd numbers is less. उससे less है ना, तो उसमें less करेंगे. This is less than the square of the average of all 3 given even numbers. Solve कैसे करेंगे? Solve करेंगे कि a plus b into a minus b. a plus b करेंगे तो 2x plus 13 और a माइनस बी करेंगे तो ओनली 13, x कट गया, देखिए a प्लस बी करेंगे तो 2x प्लस 13, a माइनस बी करेंगे तो x x कैंसिल, नहीं समझे, a प्लस बी करेंगे तो ऐसे, और a a a a माइनस बी करेंगे तो देखिए आएगा ना ऐसे 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 आएगा ना 2x प्लस, ये बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसका अपना फायदा है, ये जो 507 है ना, डेटा एक दूसरे के लिए बना होता है, ये 13 इसको कैंसिल करेगा ही करेगा, प्राइम नंबर है, 13 से 3 जा बोलिए 39 और 9 जा बोलिए, ये प्लस 13 जाकर के क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए घटेगा प्लस 13 तो क्या होगा 26 तो x निकला 13, This is 13, smallest odd number, this is 11, 11 is the answer, पूछा था आपसे, इससे 2 less होगा ना, 2 करके बड़ा, 11 is the answer, बोलिए समझ में आया कि नहीं। Concept अगर average का clear है, तो ये question क्यों नहीं बनेगा, ये बताइए, आइए, इसके बाद हम लोग second question की ओर आते हैं। A can complete a task, time work का है, in 15 days. B is 50% more efficient than A. Both A and B started working together on the task and after few days, B left task and A finished the remaining 1/3 of the given work. For how many days A and B worked together? समझाता हूँ. समझाता हूं, देखिए यहां पर सबसे पहली बात है, मैं यहां लिखता हूं, ये वर्क है PQ, ठीक है, A और B दोनों ही काम करना शुरू करते हैं, ओके, कुछ दिनों के बाद B छोड़ देता है और A काम करता रहता है और वो टोटल 1/3 वर्क करता है, ठीक है, यहां बाद में आऊंगा, ये मैंने यूं ही समझाया आपको, डेज टाइम का इफिशियंसी के साथ संबंध, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारा कैलकुलेशन का पार्ट मन में होता है, कैसे होता है देखिए, बिना लिखे बहुत दूर तक होता है, बी 50% मोर इफिशियंट, तो ए का इफिशियंसी 100 है तो बी 50% मोर 150 है, 2:3,
100:150, 2:3. तो टाइम क्या हुआ? 3:2. ए को 3 तो बी को 2. 3 ना हो के 15, 1 ना हो के 5, 2 ना हो के 10 ना हुआ. 10 ना हुआ. ए को लगता है 15 डेज और बी को लगता है 10 डेज. हमने अभी निकाला. कैसे निकाला? हाँ, जिनका पहला क्लास होगा उनको समझने में दिक्कत होगी. तो पहले ये जो मैंने निकाला, ये डेज है ना, डेज, इसको कैसे निकाला? तो देखिए, ये ए है, ये बी है. इफिशियंसी का जहां तक सवाल है, इफिशियंसी ये लिखा हुआ है 50% मोर है, तो ये 150% है, यानी 2:3 है. जो मोर इफिशियंट होगा, डबल इफिशियंट होगा, वो हाफ टाइम लेगा कि नहीं, इनवर्स होगा कि नहीं. तो जहां तक टाइम का सवाल है, वो 3:2 होगा कि नहीं. ए को 3 डेज लगा अगर तो बी को 2, पर ए को तो 15 डेज लगा है, लिखा है ना. तो 3 मीन्स 15, तो 2 मीन्स what 10 डेज हुआ कि नहीं. समझ में आ रहा है? तो समझ जाने पर ये लिखने की जरूरत नहीं, इसे आप मन में कर सकते हैं. कैलकुलेशन का ये पार्ट, बाकी पार्ट आप रफ वर्क के रूप में करेंगे. हाँ, तो सुनिए, ये 15 और ये 10 है, इसका एलसीएम लीजिए. एलसीएम या ऐसा कोई भी नंबर जो एलसीएम का प्रोडक्ट हो, 30 लिया, 60 लिया, कुछ भी लिया, 90 लिया, पर अच्छा है 30 ही लीजिए, 30 लीजिए. तो मान लिया कि हमने 30 यूनिट्स वर्क माना, मैंने 30 टॉयज बनाने हैं, मान लीजिए 30 टॉयज. टॉय ज्यादा समझ में आता है, पूरा जो प्रोजेक्ट है ना वो 30 टॉयज बनाने का है. और ए और बी काम करना शुरू करते हैं, मतलब ए पहले शुरू कर देता है, बी भी ए शुरू कर देता है, बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, और कुछ दिनों के बाद बी छोड़ देता है. तो पूछा है कि ए और बी ने दोनों साथ साथ कितने दिन तक काम किया था, यानी कि बी कितने दिनों के बाद काम करके छोड़ा. तो 30 टॉयज. अब हम मुझे बताइए, ए जो है 15 डेज में पूरा वर्क कर सकता है, यानी 30 टॉयज बना सकता है अकेले, तो वन डे में कितना बनाएगा? 2. तो 2 टॉयज, टॉयज, टॉयज पर डे का रेट है कि नहीं. और ये 10 डेज में 30 बनाएगा, तो ये क्या आया? 3 टॉयज पर डे का रेट है कि नहीं बी का? दोनों का समझ गए, समझ गए. चलिए सुनिए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ओके, बी ने छोड़ दिया, ठीक है. उसके बाद ए ने बाकी काम को किया, बाकी काम माने वन थर्ड क्या होता है? टोटल वर्क क्या था? 30 टॉयज का पूरा वर्क था, वन थर्ड. 10 टॉयज ए ने अकेले बनाया, 10 टॉयज, तो फिर ठीक है, टोटल तो 30 टॉयज था, 10 टॉयज तो ए ने अकेले बनाया, तो बाकी जो 20 टॉयज है दोनों ने मिलके बनाया. ये 10 टॉयज तो ए ने अकेले बनाया, तो रेस्ट 20 टॉयज दोनों ने एक साथ मिलके बनाया. दोनों एक साथ मिलके कितना टॉयज बना सकते हैं? 3 and 2, 5 टॉयज पर डे. दोनों जब साथ काम कर रहे थे तो 3 और 2, 5 टॉयज पर डे बन रहा था. 5 टॉयज पर डे बनेगा, 20 टॉयज इन हाउ मेनी डेज? 4 डेज होगा कि नहीं? कितना सुंदर, कितना सीधा, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बताइए. एग्जाम बोर्ड आपके अंदर जो देखना चाहता है वो देख लेता है कि नहीं, इन क्वेश्चंस में बताइए. जिनको एवरेज पर कमांड नहीं होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा. लेकिन क्वेश्चन सीधा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन को कितनी खूबसूरती के साथ पूछा जा सकता है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट का पता चले, वो इस आरआरबी पीओ एग्जाम में हुआ है. मैंने उस सेटिंग के 10 क्वेश्चन पेपर देखे हैं जो मिसलेनियस के आए हैं, और 10 के 10 शानदार हैं. इस बीच मैं उन सभी को सॉल्व कर दूंगा, एक बार में 4 ही क्वेश्चन संभव है, मैंने 4 लिया है. फिर तुरंत जल्दी ही अगला भी जो क्वेश्चन होगा उसे भी मैं कर दूंगा. तो ये हमारा सेकंड था, ठीक है. ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस असिस्टेंट में आएंगे, आईबीपीएस पीओ में आएंगे, आईबीपीएस क्लर्क में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. बोर्ड भी वही है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. ए बोर्ड कैन ट्रेवल, ऐसा ही क्वेश्चन है. देखिए, ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का है, लेकिन आपका सब कुछ चेक कर लेता है. ए बोर्ड कैन ट्रेवल 9.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 36 मिनट्स. If the speed of the water current
is 10% of the speed of the boat in downstream, then how much time will boat take to travel 19.2 km upstream? एकदम सिंपल क्वेश्चन में उसने आपका क्या टेस्ट नहीं कर लिया? स्पीड किसको कहते हैं जानना पड़ेगा, ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या है जानना पड़ेगा, ये परसेंटेज क्या होता है वो भी मालूम होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीज। स्पीड किसको कहते हैं, 60 मिनट्स में 1 आवर में कितना किलोमीटर गए? अरे भाई 9.6 किलोमीटर गए ना, कितना 36 मिनट्स में गए इतना, तो 60 मिनट्स में कितना? यही तो है जैसे भी काटी, यही तो है। आया कि 16 किलोमीटर पर आवर। This is X. Downstream में जो आपका स्पीड है, आप 36 मिनट्स में जाते हैं 9.6 किलोमीटर, 60 मिनट्स में कितना जाएंगे? 16 किलोमीटर 60 मिनट्स में, यानी 1 आवर। 1 आवर में मतलब 16 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड डाउन में, धारा की दिशा में U प्लस V दिया है 16 किलोमीटर पर आवर। करंट का स्पीड क्या है? 10% है। 10% कितना होगा? 1.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक नहीं, हमको अप में जाना है, चलिए अप में चलिए। अप में कैसे जाएंगे? तो आपका स्टिल वाटर में स्पीड क्या है? तो डाउन में तो दोनों का सम है ना, यू और बी मिलकर 16 होता है, अभी मालूम है, तो 1.6 को लेस कर देंगे तो यू मालूम होगा कि नहीं, और उस यू में जब अप में जाएंगे तो फिर 1.6 लेस कर देंगे तो वाई मालूम होगा कि नहीं। तो ये बार बार 1.6 क्यों लेस करें? एक ही बार दोनों 1.6 बटोर के 3.2 लेस ना कर दें? 3.2 लेस कर दें तो 12.89 किलोमीटर पर आवर। आप में जाएंगे यही स्पीड होगा वाई, वाई जाना कितना है 19.2 किलोमीटर जाना है। कितना घंटा लगेगा? इतना घंटा लगेगा। कैसे सॉल्व करें? सॉल्व तो हो गया, सॉल्व क्या करें? इधर आइए, कहीं ना नवदीज है, आंसर कितना है? कितना सुंदर सुंदर है ना, 1, 1.5, 2, 3, 12.8 में उसका हाफ ऐड कर दीजिए, नहीं आएगा, कट तो गया 1.5 टाइम्स में, कटना है ऐसे ही तो है, देखिए पहाड़ा पड़े 12.8 कटेबल 2 टाइम्स तो होगा नहीं, इससे कितना मोर है भाई, कितना मोर है देखिए, तो 6.4 देखिए 6.4 मोर है, 50% मोर है, 1.5 घंटा करता हूं ऐसे ऐसे, 2 से 3 से 4 से कौन काटने जाए, इतना टाइम नहीं, समझ में आया? तो आंसर क्या आया? 1.5 आवर्स। ठीक है, इसके बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, पार्टनरशिप का सवाल है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट of rupees 1200. X months after the start of business, B joined A with an initial investment of rupees 1500. If total profit was rupees 1950 at the end of the year and B's share of profit was rupees 750, find X. X ka matlab kitne month ke baad B business mein shamil hua. Profits are distributed in the ratio of investments. ये baseline है partnership का। दोनों method से आप बना सकते हैं। एक जो एक formula का concept था, बहुत अच्छा है, उससे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? Profits. Profits कितने हुए? Total profit 1950 है। मान लीजिए ये A है, ये B है, okay? Total 1950 है।
इसमें बी का प्रॉफिट कितना है? 20 शेयर 750, बी का प्रॉफिट है 750, तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ? बाकी रेस्ट 1200। तो इनके प्रॉफिट्स मालूम हो गए, कैपिटल वो भी मालूम है। ए का कैपिटल कितना है? 1200। ए का कैपिटल है 1200 और बी का कैपिटल कितना है? 1500। यही है ना कैपिटल, यही होगा ना, डिवाइडेड बाय कैपिटल इज द टाइमिंग, टाइमिंग का रेशियो। टाइमिंग का रेशियो तो समझ में आ ही गया आपको, 2:1। ये टाइमिंग का रेशियो है 2:1। ए को 2 months तो बी को 1 month, ए को 12 months, 1 year रहा ना, तो बी को कितना, कितने दिनों तक? 2 means 12, 1 means 6 months, 6 months तक बिजनेस में रहा, अंत तक रहा। तो 12 minus 6 यानी 6 months के बाद उसने ज्वाइन किया, बी अलर्ट। अगर ये 8 months निकलता तो आंसर होता 8 months रहा, लेकिन नेक्स्ट मंथ के बाद ज्वाइन किया तो 4 होता, 12 में 8 लेस करना पड़ता, चूंकि 6 है, 6 बोल दीजिए, 12 माइनस 6 बोल दीजिए, गलती से भी सही हो जाएगा। प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय करेस्पॉन्डिंग कैपिटल इज रेशियो ऑफ टाइम, ये फर्स्ट मेथड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सेकंड, जिसका जितनी दूर तक है फैसला कर लीजिए। देखिए ए ने 1200 रुपीज लगाया कैपिटल, वो कितने दिनों तक रहा? 12 months, दिस इज फॉर 1 month। बी ने कितना लगाया? 1500 रुपीज, कितने मंथ तक मालूम नहीं, एक्स मंथ के बाद ज्वाइन किया ना, वो वाला एक्स मंथ बोलिए, समझ लीजिए वाई मंथ रहा बिजनेस में। प्रॉफिट का रेशियो क्या है? टोटल प्रॉफिट इतना है, उसमें बी का शेयर 750 है, 750, तो टोटल 1950 में 750 हटा दीजिए, 1200, बस इसको कैंसिल कीजिए, जैसे भी कैंसिल कीजिए, तो 1200 पूरा कैंसिल कीजिए, तो वैसे ही है 2, वाई मंथ 6, 6 मंथ रहा, तो 12 माइनस 6, एक्स का मतलब क्या हुआ? 12 माइनस 6, 6 मंथ, आंसर। मेरे ख्याल से आपने एंजॉय किया होगा, इससे ये पता चलता है कि चैप्टर पर कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है, कमांड होना कितना जरूरी है। परेशान मत होइए, समस्या की जड़ में जाइए, समस्या ये है कि चैप्टर्स को जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे, यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एग्जाम में प्रॉब्लम्स फेस करते रहेंगे। आगे भी जो एग्जाम्स आने हैं, इस एग्जाम के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम नहीं है, लेकिन IBPS के लिए जो एग्जाम होने हैं, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट, मेरे सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट जबरदस्त हैं विद फुल कॉन्सेप्ट। आप जाइए और एक नंबर वीडियो से देखना शुरू कीजिए, वीडियो से बाहर किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के होने का सवाल नहीं उठता। ऑल द बेस्ट।